हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्लॉग ऑटो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा की 7 सीटर एसयूवी के बारे में, जिसका आज उन्होंने नाम जो है डिस्क्लोज कर दिया है। जी हाँ, जो नाम होगा ग्रेविटास होगा, जो कि हैरियर का 7 सीटर वर्जन होने वाला है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाटा ने अपनी नई गाड़ी 7 सीटर एसयूवी, जिसको बजार्ड नाम से इन्होंने 2019 जिनेवा ऑटो शो में लॉन्च किया था, उसका नाम टाटा ग्रेविटास रिवील कर दिया है। जो ग्रेविटास है, ये 7 सीटर है, जो कई बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जो है स्पाइक की गई है, और इसका जो लॉन्च है 2020 ऑटो एक्सपो में होने वाला है। फरवरी 2020 में इन्होंने लिखा है कि ये आ रही है। ये जो गाड़ी है, ये शोकेस की गई थी 2019 के जिनेवा मोटर शो में, जहाँ पे इसका नाम बजार्ड रखा गया था। फिर इसका नाम कोई बोल रहे थे कैसीनी आएगा, लेकिन आज फाइनली टाटा ने इन सारे अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए ये बता दिया है कि इस गाड़ी का नाम जो है वो ग्रेविटास होगा। ये जो गाड़ी है, ये 3 नए लॉन्चेस जो टाटा करने वाली है उनमें से एक है। तो ये जो लॉन्चेस हैं, एक है अल्ट्रोज जो आने वाली है, कॉम्पैक्ट जिसे कह सकते हैं प्रीमियम हैचबैक, उसके बारे में है। उसके अलावा नेक्सॉन फेसलिफ्ट आने वाली है, और जो है नेक्सॉन ईवी आने वाली है। ये 3 के अलावा जो चौथा इन्होंने लॉन्च बताया है वो ग्रेविटास का है। ये जो गाड़ी है, कई बार इसको हमने टेस्टिंग में देखा है, एक आध वीडियो भी पहले मैं इसके बारे में बना चुका हूँ। तो देखा ही जा रहा है कि ये BS6 फॉर्मेट में आने वाली है ये गाड़ी। सारे नए सेफ्टी नॉर्म्स को ये गाड़ी जिसे कंप्लाई करेगी। इसके अलावा इसमें आपको देखें तो हैरियर की आपको लुक आएगी आगे से, और जो पीछे का जो पूरा एरिया है वो थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, और इसके जो ORVMs है वो थोड़े से छोटे होंगे, जो करंट ORVMs आते हैं हैरियर के ऊपर। उसके अलावा अगर हम साइड की बात करें तो इसमें जो है ब्लाइंड स्पॉट्स कम करने के लिए ए पिलर को थोड़ा और कम किया गया है, थोड़ा पतला किया गया है। इसके अलावा इसमें लास्ट में 2 रो दी गई हैं, 2 सीटिंग दी गई है जो कि फोल्ड हो जाएंगी, जैसा कि आप XUV में देखते हैं। इसमें आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलेंगे जैसे आपको हेक्सा में मिलते हैं, और सेम ग्रिल मिलेगी, बम्पर मिलेगा, लेकिन जो पीछे का टेल लैम्प है और जो रूफ लाइन है उसको चेंज किया गया है। जो रूफ लाइन है अब हैरियर में टेपर कर जाती थी, कम हो जाती थी पीछे जाके, लेकिन ये गाड़ी में ये पीछे बिल्कुल उतनी ही रहेगी, और इसका पीछे का पूरा लुक जो है वो चेंज होगा। इसके अलावा इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स होंगे वो। और ये जो गाड़ी है करीबन 63 mm बड़ी है, 72 mm चौड़ी है, और 80 mm ऊंची है इसके हैरियर से। तो कुल मिला के ये गाड़ी 4661 mm लंबी होगी, 1894 mm चौड़ी होगी, और 1786 mm जो है इसकी हाइट होने वाली है। इसका व्हील बेस भी बहुत बड़ा होने वाला है, करीबन 2741 mm। तो ये एक अच्छा खासा व्हील बेस है, तो अंदर आपको बहुत सारा जगह मिलेगी सेकेंड रो में और फर्स्ट रो में भी। इसका जो केबिन है वो बिल्कुल नया होगा, थोड़ा सा सिमिलैरिटी इसकी 5 सीटर मॉडल से होंगी, लेकिन उसके अलावा उसको और अपडेट किया जाएगा। इसमें आपको ब्राउन एंड ब्लैक डुअल टोन स्कीम मिलेगी, पियानो ब्लैक हाउसिंग मिलेगी, इन कार कंट्रोल्स मिलेंगे आपको, 8 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलेगी जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है इसमें आपको टेलीमैटिक्स, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें आपको मिले। तो टाटा हैरियर 7 सीटर, आप जिसको अब ग्रेविटास कह रहे हैं, ये 2 लीटर टर्बोचार्ज क्रायोटेक डीजल इंजन से पावर की जाएगी, जो 170 BHP की पावर निकालेगा, और 350 Nm का इसका टॉर्क आएगा। ये गाड़ी जो है 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ आएगी। BS6 एमिशन नॉर्म्स स्टार्टिंग से ही इसमें कंप्लाई होंगे। जो ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है वो हुंडई से इसका सोर्स किया जा रहा है, और जैसा कि हैरियर XT प्लस और XT वेरिएंट्स में देखा जाया था, सेम चीज़ इसमें भी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आई थी हैरियर में, उसको टाटा रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रही है,
प्राइसिंग के मामले में इसमें कोई अभी तक खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करें करीबन 14 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होकर करीबन 20 लाख तक की रेंज तक, 21 लाख तक की रेंज में ये जाएगी एक शोरूम की बात की जाए तो। प्राइसिंग इसकी जो है वो 2020 ऑटो एक्सपो में लॉन्च होगी। तो दोस्तों इसके बारे में और जो न्यूज़ आती रहेगी उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।